सोलन शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है। नगर परिषद सोलन में शहरी आजीविका मिशन के तहत लगे 120 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। वेतन बढ़ाने सहित नियमित करने की मांग को लेकर यह कर्मचारी आज सुबह नगर परिषद कार्यालय में धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले काफी समय से आउटसोर्स पर बहुत कम सैलरी लेकर कार्य कर रहे हैं। नगर परिषद उन्हें नियमित करे और वेतन में भी वृद्धि करे। फिलहाल इन कर्मचारियों की हड़ताल यदि लंबी चलती है तो आने वाले दिनों में शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है। मालूम हुआ अपने स्टाफ से और बाद में सफाई कर्मचारियों से ये विदित हुआ था। आज सुबह की इन्होंने हड़ताल के रूप में अपना कोई नाराज़गी जाहिर की है और जब कारण का पता लगाया तो इनका ये कहना था कि हमें डेली वेज किया जाए क्योंकि हमें आउटसोर्स पे इनको रखा हुआ है। हमने ठेकेदारी प्रथा को नहीं अपनाया हुआ, यहाँ पर CLC के माध्यम से इनको रख करके ये काम ले रहे हैं हम। तो इस कोविड काल में जो हमारे को इस प्रकार की परेशानी हुई है, इन लोगों का हमें काफ़ी सहयोग रहा है, किंतु इनका जो हड़ताल करने का इसका तरीका था ये ठीक नहीं लगा क्योंकि इन्हें पहले सूचित करना ज़रूरी था ताकि इस प्रकार से हमारा काम ना रुके इस संकट काल में। तो इनका ये कहना था कि इनको डेली वेज किया जाए जो कि मेरे परिवार में नहीं आता है। मैंने इनको इससे पूर्व भी सूचित किया था कि इनकी इस समस्या को लेकर के हम गंभीर हैं, इसके ऊपर चिंतन हो रहा है और सरकार से समय समय पर माननीय निदेशक महोदय से भी इनकी बातचीत करवाई गई है, मीटिंग्स करवाई गई है। आने वाले समय में जो इनके हाथ में फैसला होगा उनको अवगत करेंगे और हम पूरे अपने दिल से इनके काम को देखते हुए इनको डेली वेज्ड करने के लिए और इनकी सैलरी को बढ़ाने के लिए इनकी अनुशंसा करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।